लोकसभा सांसद दीपक प्रकाश ने न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में कहा कि समीर मोहंती ने जो पत्र लिखा है उस पत्र की जांच होनी चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अगर जांच में सही पाया गया तो चुनाव आयोग को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दीपक प्रकाश जी मेरे साथ हैं। दीपक जी, एक गठबंधन है वहां पर, इंडिया गठबंधन, उन्होंने समीर मोहंती जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने 25 लाख रुपया जो है उन्होंने रख लिया है, नहीं दिया कार्यकर्ताओं को जो बूथ के लिए खर्च में। समीर मोहंती एक उम्मीदवार के रूप में उनको खर्च करने की सीमा तय की गई है और हर खर्चे की जानकारी चुनाव आयोग को, 25 लाख रुपये का उसने हिसाब दिया है कि नहीं, अगर नहीं दिया है तो चुनाव आयोग संज्ञान ले, उन पर FIR करे और साथ साथ आगामी कोई चुनाव लड़ने से उनको वंचित किया जाए, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है, अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखा है, उनके हस्ताक्षर की भी जांच होनी चाहिए। झारखंड को लूटने का काम कांग्रेसियों ने किया, देश को लूटने का काम कांग्रेसियों ने किया, अगर समीर मोहंती को लूट लिया तो कौन सा बड़ा काम कर। इसलिए आगामी जो चुनाव होंगे उसमें NDA गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड का गठन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अटल जी ने किया है, और विकास भी मोदी जी करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी। कुछ भ्रष्टाचारी जेल में, कुछ भ्रष्टाचारी जेल जाने वाले। पार्टी उभर करके सामने आया है जो आपने देखा होगा, जयराम महतो, उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो है मैं 50 से 52 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत पहलू है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आज़ादी है और हर राजनीतिक दल को अपने सीटों के तय करने के अधिकार है। अब देखना है कि जनता उनको कितना पसंद करती है, तो जनता कहे, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।